गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंदौर टेस्ट मैच का पहला दिन, भारत के लिए अहम टेस्ट मैच, और अब तक सीरीज़ में अगर देखा जाए हर बल्लेबाज जो है जूझा है। रोहित शर्मा को अगर छोड़ दिया जाए, अक्षर पटेल को छोड़ दिया जाए, दो ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने भारत की तरफ से 150 से ज़्यादा रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते, उनकी पूरी बैटिंग लड़खड़ाई है। भारत के लिए भी अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा रही है, जाहिर सी बात है, केएल राहुल पर रही है। लेकिन दो बल्लेबाज, टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली, ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी हाल के महीनों में काफ़ी संघर्ष किया है टेस्ट मैच में। संघर्ष इन द सेंस कि जो इनका स्टैंडर्ड है, जितने बड़े स्टॉलवर्ट हैं, जितने महान खिलाड़ी हैं, उस लिहाज से इनके रन नहीं आए हैं। पुजारा ने तो अभी समर टेस्ट मैच खेला, उनके बारे में बात हो रही है, और उन्होंने दिल्ली में एक तरह से देखा जाए मैच जिताने में अपना योगदान भी दिया। लेकिन विराट कोहली से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, और विराट कोहली ने पिछले अगर देखा जाए दुबई में उन्होंने T20 जो सीरीज़ हुई थी उसमें उन्होंने एशिया कप में अपने शतकों का जो सूखा था इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको तोड़ा था। उसके बाद वनडे क्रिकेट में एक दौर आया जब वो बहुत लंबे 26 पारी तक उनके पास एक भी 100 नहीं थे, लेकिन बाद में ये भी दौर आया कि उन्होंने 4 मैच के दौरान 300 लगाए और लगा कि कोहली फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन कोहली रियल फॉर्म में, रियल कोहली जो है वो टेस्ट क्रिकेट के हैं। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के बल्ले से नवंबर 2019 के बाद शतक नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि विराट कोहली इस दौरान ख़राब खेले, विराट कोहली ने कई उम्दा पारियां खेली हैं साउथ अफ्रीका में या यहाँ पर भी, दिल्ली में भी अगर देखा जाए, भले ही उनका अर्धशतक नहीं हुआ लेकिन वो बहुत कमांड में दिखे थे, बहुत कंट्रोल में दिखे थे। लेकिन आंकड़े तो आंकड़े हैं। विराट कोहली के अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले, अगर इस समय बात करें, लास्ट 22 टेस्ट मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 993 रन निकले हैं। औसत जो है उनकी 26.13 की है, सिर्फ 650 है, एक भी सेंचुरी नहीं है। जाहिर सी बात है कोहली खुद इन आंकड़ों से खुश नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखा जाए, ये जो हमने आंकड़े की बात की है ये इनके घर के आंकड़ों की बात की है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, 2020 के बाद से अगर कोहली के आंकड़ों के ऊपर नज़र डाला जाए तो वो सिर्फ 26.07 यानी लगभग 26 की औसत से वो स्कोर कर रहे हैं 14 पारियों में। इंडिया में उनका जो टॉप स्कोर है वो 72 रन का है, जबकि अगर इस पीरियड में 2020 के बाद से यानी पिछले 3 सालों में अगर आप देखा जाए तो उनका औसत भारत में करीब 48.49 नियरली 50 का होता था, और अब 26 मतलब नियरली 25 यानी आधा हो गया, लगभग आधा हो गया है। और ये थोड़ी सी चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि चिंता की अगर आप बात देखा जाए तो विराट कोहली को स्पिन का बहुत ही अगर देखा जाए माहिर खिलाड़ी, ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट उनको कभी समस्या नहीं होती थी। लेकिन अगर आप देखा जाए 2011 से 2019 का दौर था जब कोहली जो है करीब 55 की औसत से ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट रन बना रहे थे, लेकिन अब हाल के टाइम में अगर आप देखा जाए वो 28 का औसत हो गया उनके ऑफ स्पिनर के आगे। और इस दौरान 2020 के बाद से वो 8 बार ऑफ स्पिनर के खिलाफ आउट हुए हैं, जो थोड़ा सा चिंता वाली बात है कोहली का। अच्छा, अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें, जो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं उनके अगेंस्ट कोहली तो बहुत ही धुरंधर हुआ करते थे, 110 के करीब उनका औसत था 2019 तक, लेकिन 110 से वो 25.42, कहाँ 110 का औसत लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट और अब 25.10, तो मतलब किस लेवल से उनका गिरा है। तो ये आंकड़े आपको ये बताते हैं कि भारतीय पिचों पर जो विदेशी जो स्पिनर हैं उन्होंने आकर कोहली को परेशान किया है, जो हैरानी की बात है, ऐसा होता नहीं था। खैर, कोहली तो कोहली हैं, किंग कोहली हैं, और उन्होंने अपने आलोचकों को शांत किया है। और उम्मीद की जा रही है, जैसा हर कोई बोल रहा है कि एक बड़ा 100 उनके एकदम पास में पड़ा हुआ है। इंदौर में विराट कोहली का एक शतक मुझे लगता है कहीं ना कहीं बचा हुआ, खासतौर पर दिल्ली में जिस तरह की उन्होंने पारी खेली, जिस तरह के लय में देख रहे थे, तो कौन सी बड़ी बात है। जो शतकों का सूखा टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उन्होंने हाल के दिनों में काफ़ी शतक लगाए, 4 शतक उन्होंने लगा दिए हैं पिछले 4-5 महीने में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक शतक की उनको तलाश है। और यकीन मानिए, इस अगर वो एक शतक लगाते हैं तो कोहली जिस तरह का बल्लेबाज है तो 2-3-4 जैसा कि उन्होंने वनडे में दिखाया था वो दूर नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इंदौर टेस्ट मैच में हमें किंग कोहली अपने पुराने शतक वाले कोहली के रूप में नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।